Rule number third for success is give, give, give. लेने से पहले देना होता है, लेने से पहले देना होता है. आपको कोई भी चीज चाहिए तो उसमें पहले आपको वो चीज देना होती है. देने से चीजें बढ़ती हैं. हमें अपने बच्चों को और खुद को भी ये बात बतानी चाहिए, समझानी चाहिए कि देने से चीजें कम नहीं होती, देने से चीजें बढ़ती हैं. याद रखिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए. पैसा और इज्जत कमाई जाती है, मांगी नहीं. पैसा और इज्जत कमाई जाती है, मांगी नहीं. पैसा और इज्जत दोनों देने से मिलता है, देने से बढ़ता है. अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो ज्यादा पैसा दें. अगर आप इज्जत चाहते हैं दूसरों से तो पहले खुद दूसरों को इज्जत दें. जब तक आप सामने वाले को इज्जत नहीं देंगे, आपको इज्जत नहीं मिलेगी. आप पैसा नहीं देंगे, आपको पैसा नहीं मिलेगा. आप पैसा टाइट रखते हैं, आपका हाथ लूज नहीं है पैसा देने में. आपने दा नहीं पढ़ा है, आपने सिर्फ ला पढ़ा है ना. आप पापा हैं, आपको सिर्फ आता है पापा, बस पाना है, पाना है, लेना है नहीं भाई, लेना नहीं, देना है. पहले पहले देना है, फिर लेना है. लेने से पहले देना होता है. तो थर्ड रूल ऑफ सक्सेस क्या है? देना. देने से चीजें बढ़ती हैं. यह बात अपने माइंड में बिठा लें, बच्चों के दिमाग में दे दें. क्या होता है, मैंने अक्सर देखा है, गार्जियन, बच्चे का लंच है, लंच बॉक्स आपने दिया है बच्चे को. और याद रखिए, सक्सेसफुल पीपल जो होते हैं वो गिवर होते हैं, टेकर नहीं होते हैं. वो एनर्जी भी देते हैं सामने वाले को, सामने वाले की एनर्जी लेते नहीं है. वो सामने वाले को हौसला भी देते हैं, हर चीज देते. कोई जरूरी नहीं कि आप पैसा ही दें, आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है. आप अपना अच्छा वक्त दें, अच्छी बात दें, सामने वाले का हौसला अफजाई करें, सामने वाले को उत्साह दें, जोश दें, उसको डाउन ना करें, उसकी लेग पुलिंग ना करें, उसको नीचे ना घसीटें, हैं? उसको उसको क्या करें, उसको उसको आगे बढ़ाएं. कुछ नहीं कर सकते तो अपना मुंह बंद रखें. मैंने देखा है, गार्जियन है, बच्चा लंच लेके जाता है स्कूल में, और अगर वो लंच किसी और ने खा लिया, बवाल हो जाता. मान लीजिए अगर टीचर ने खा लिया, बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं जो बच्चे का अच्छा लंच लगा, उन्होंने खा लिया थोड़ा सा, हमें बवाल कर देते हैं स्कूल कॉलेज में आके, बहुत बवाल करते हैं कि हमारे बच्चे का लंच का, हमें तुम बच्चे को क्या सिखा रहे हैं? आप बच्चे को दो लंच बॉक्स लेके भेजिए, बच्चे से कहिए बेटा देखो क्लास में अगर कोई लंच नहीं लाया है उसको लंच बॉक्स दे दो. हैं? कैसे आप बच्चे को सखावत सिखाएंगे? किताब पढ़ा के, बुक्स पढ़ा के सखी कैसे बनाएंगे उसको, उदार कैसे बनाएंगे? बता के नहीं बच्चा बनता है. चीजें बढ़ती हैं देने से. आप देते हैं नहीं, आप लेने के चक्कर में लगे रहते हैं. मैंने माँ बापों को देखा है अक्सर, बच्चों को देते कभी कुछ नहीं, पेड़ पौधा लगाएंगे नहीं, लेने के चक्कर में रहेंगे बस, कैसे भी लूट लें, कैसे भी ले लें. अबे कैसे उम्मीद करोगे आप बच्चे से कि बुढ़ापे में बापों को देगा? पहले उसको दो. आप सोचते हमने पैदा कर दिया, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, पैदा करके उसको छोड़ दिया बस. नहीं भाई, खिदमत से खुदा मिलता है, सर्विस इज सीनियर. आपको मालिक बनना है, मालिक बनने से पहले आपको नौकर बनना होता है. नौकर बनना नहीं चाहते आप, मालिक डायरेक्ट बनना चाहते हैं, बॉस. मैं बॉस बनने के लिए पहले नौकर बनना पड़ता है, पहले खिदमत करना पड़ती है. खिदमत से खुदा मिलता है, सर्विस इज सीनियर. गिव, पहले देना होता है. आप देना चाहते नहीं, आप लेने के चक्कर में रहते हैं. हमें दूसरों को गिफ्ट दीजिए. आप बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हमेशा लेते हैं, आज तक कभी कुछ नहीं दिया. हमें कुछ नहीं दे सकते, एक हल्की सी स्माइल दे दो दूसरे को, नहीं हंसने में भी कंजूसी, स्माइल भी नहीं देंगे. पानी दे दो एक गिलास, जगह दे दो, स्पेस दे दो, सम्मान दे दो, प्यार दे दो. नहीं, देना नहीं है, ले लो, छीन लो, लूट लो. दूसरा अगर बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, उसके अड़ंगे लगा दो. जो काम बन रहा है आपका नुकसान नहीं है, किसी का काम बन रहा है वो काम बनाना नहीं है, बिगाड़ दो. नहीं भाई, नहीं, सक्सेस नहीं कर पाएंगे. जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं, हाईली सक्सेसफुल पीपल, वो गिवर होते हैं, टेकर नहीं. वो हर चीज देते हैं. आप अच्छा वक्त दे दो, आपके पास कुछ नहीं है, आप हेल्प कर दो, आप किसी को पढ़ा दो, हैं, टीचिंग दे दो, टाइम दे दो. बहुत सारे आपको ऑर्गेनाइजेशंस मिल जाएंगी जहां पे आप अपने अपना
वक्त दे सकते हैं, है ना। उनको क्या बोलते हैं जो संस्थाओं में फ्री काम करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? वॉलंटियर। वॉलंटियर बोलते हैं उनको। तो आप कहीं पर भी वॉलंटियर कर दो, जाके अच्छी चीजें बांट दो, खाने में अपने शामिल कर लो। मेरे एक दोस्त हैं, मैंने देखा है वो हमेशा हमेशा चाहे कुछ भी लाएं, वो अपने खाने में से थोड़ा थोड़ा बांटते हैं। टॉफी भी लेंगे, उसके भी चार टुकड़े कर देंगे, कहेंगे यार जो बात मिल बांट के खाने में वो बात नहीं। हम देखते हैं, हम बचाते हैं, हम कमरों में ले जाते हैं खाना, कोई गेस्ट आ जाए, मेहमान आ जाए, कि कोई खा ना ले। हैं? नहीं भाई, छुपाओगे बचाओगे वो उतना ही लिमिटेड हो जाएगा, उतनी शॉर्टेज, क्योंकि माइंड में शॉर्टेज है ना, मिडिल क्लास मेंटेलिटी है, गरीबी वाली सोच है, वो कैसे दूर होगी? ध्यान रखिए, थर्ड रूल है देना। लेने से पहले देना होता है, आपको देना होता है। आपको पेड़ लगाएंगे, उसकी सेवा करनी है, उसको पौधे को पानी देना है, खाद देना है, फिर फल मिलेगा ना। आज आपने पेड़ लगाया, कल से मांगने लगो फल दे दो, फल दे दो, फल दे दो, मैं फल ऐसे नहीं मिलता। सेवा करने में मेवा मिलता है, बिना सेवा किए मेवा लेंगे बहुत तकलीफ होगी, बिना सेवा के मेवा नहीं मिलता, सेवा करने से मेवा मिलता है। तो पहले देना है, आप देते हैं नहीं, अपने कस्टमर को पहले आप दीजिए, सर्विस दीजिए। मैं एक बंदे से मिला, बड़ा अच्छा बंदा, मैंने उससे पानी मांगा, वो बंदा पानी लेके आया, उसमें आइस डाल के लाया, ट्रे में लेके आया, और इतनी अच्छी तरीके से उसने सर्विस की। मैंने कहा यार तुमसे मैंने सिर्फ पानी मांगा। बोला सर ये सर्विस नहीं है, ये मेरे लेवल ऑफ केयर है। तो पता चलता है कि देने से चीजें कैसे बढ़ती हैं। आपको अटेंशन चाहिए ना, तो आप दीजिए, आप कैसे दे रहे हैं सामने वाले को। लेने से पहले देना होता, पहला है शो अप, दूसरा है 100% कमिटमेंट, थर्ड रूल है गिव गिव गिव, यानी लेने से पहले देना होता है। सर्विस इज सीनियर, मालिक बनने से पहले नौकर बनना होता है, खिदमत से खुदा मिलता है, तो खिदमत करें। कुछ नहीं दे सकते, अच्छी राय दे दें अगर मांगे तब, फ्री की राय की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन कभी भी किसी को गलत राय ना दें, कभी भी किसी को गलत ट्रैक पे ना भेजें। नहीं भेज सकते आप, चुप बैठें, तारीफ कर दें सामने वाले की, आप तारीफ नहीं करते, तारीफ करने में कंजूसी, तारीफ भी एक देना होता है, अप्रिसिएशन। आप अप्रिशिएट नहीं करते, सामने वाले ने अच्छा काम करा उसको शाबाशी कर दें, बच्चे ने अच्छा काम करा उसको शाबाशी कर दें। सिखाएं कैसे, आप कहते हैं भगवान का शुक्र अदा करो, कैसे शुक्र अदा करेंगे आप? शुक्र अदा करने का मतलब ये नहीं तस्बीह पढ़ने बैठ गए, हैं? शुक्र कैसे अदा करते हैं? शुक्र अदा करते हैं कि जो चीजें आपके पास हैं उसमें से लोगों को हक, उनका जो है उनको, उनका जो शेयर है वो उनको दें, ना कि आप छीन लें दूसरों के हक, जो उनका है वो भी आप ले लें। नहीं, आपके पास ताकत है, आपके पास सब कुछ है, आप यंग हैं, आप कर सकते हैं जो चाहे आप करें। यहीं पर तो पहचान है कि आप जब सब कुछ कर सकते हैं फिर आप क्या कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, देना है। एटीट्यूड ऑफ सर्विस, रूल नंबर थर्ड है एटीट्यूड ऑफ सर्विस। सर्विस इज सीनियर, आपको कैसा एटीट्यूड रखना है, सर्विस का एटीट्यूड रखना है। अपने बच्चों को भी बताना है कि सेवा करें, सेवा करने से मेवा मिलता है, है ना। देना है, लेने से पहले देना है। तो कोई भी चीज है वो दें ज्यादा से ज्यादा। ज्ञान बांट सकते हैं आप, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ये कभी कम नहीं होता। अच्छी बात पता है, नॉलेज पता है, आप बता दें। मैं देखता हूं लोग बताते नहीं, रेसिपी किसी को अच्छी पता है, खाने की डिश अच्छी पता है, बताएंगे नहीं। उनसे पूछो कि भैया कैसे खाना बनाया, बताएंगे नहीं। अब मर के साथ में ले जाओगे, कोई अच्छी उन्होंने ड्रेस बनाई कुछ भी, बताते नहीं है, छुपाते हैं लोग, पता नहीं कैसी मेंटालिटी है लोगों की। अब मैं बताओगे नहीं तो वो तुम्हारे साथ मर के साथ में चली जाएगी। हैं? दे दो सामने वाले को, दूसरे को दे दो। जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं वो दे दे के चीजें आगे बढ़ते रहते हैं, उन्हें कुछ भी अच्छा पता है बताते रहते हैं। ठीक, तो एटीट्यूड ऑफ सर्विस, रूल नंबर 3, एटीट्यूड ऑफ सर्विस। सर्विस इज सीनियर।